नारद जी भ्रमण करने के लिए आए। एक पंडित जी के घर में एक गाय थी और उसके बगल में एक दुष्ट आदमी रहता था। उसके घर में दो गाय थी। नारद जी को लगा कि कुछ भूख लगी है, यदि दूध मिल जाता तो भगवान जी का भोग लगा के दूध पी लेते। तो नारद जी दो गाय वाले के यहाँ गए, जो दुष्ट आदमी था उसके यहाँ जब गए कि भैया हमें जरा एक गिलास दूध दे दो, भगवान जी का भोग लगाना है, पीने का मन कर रहा है। उसने गालियां देनी शुरू कर दी नारद जी को। अरे मुंह उठाए चले जाते हो, एक गिलास दूध दे दो, फ्री में आता। नारद जी बोले कोई बात नहीं। अब नारद जी दूसरे पंडित जी के यहां गए, जो एक गाय वाले थे, जिनके यहां एक गाय थी। पंडित जी से अब नारद जी ने कहा कि हमारी गाय, हमारे को भगवान जी को भोग लगाने का मन है, दूध पीने का मन है, आप एक गिलास दूध दे दो। पंडित जी बोले बिल्कुल स्वागत है, आइए। दूध दिया, नारद जी को भोजन प्रसादी कराया पंडित जी ने। बड़े अच्छे पंडित जी थे, बड़ी श्रद्धा थी संतों में। बगल में बड़ा दुष्ट आदमी था, बगल में ही सज्जन पंडित जी थे। नारद जी चले गए। बहुत दिन बाद नारद जी फिर आए तो बगल वाले के घर में पहले तो दो गाय थी, आज देखा तो उसके घर में 20-25 गाय हो गई थी। उसका कारोबार बढ़ गया था, भैंस भी पाल रखी थी उसने, भैंस भी हो गई, गाय भी हो गई, खूब दूध हो रहा था उसके घर में। सैकड़ों लीटर दूध था, दही छाछ सब घर का, मक्खन खूब बढ़िया, भैंस गाय का दूध। उस नारद जी ने फिर मांगा, भैया एक गिलास दूध दे दो, आज फिर मन हो रहा है पीने का। उसने कहा क्यों, तुम वही हो पहले आए थे? हाँ। उसने लाठी उठा ली, बोले फिर आओगे तो मारूंगा। नारद जी भागे, हे भगवान तो बड़ा दुष्ट है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, पंडित जी के घर चलते हैं। पंडित जी के घर गए तो पंडित जी बैठे, महाराज आओ। नारद जी बोले गिलास दूध मिल जाता? पंडित जी बोले कैसे मिल जाता, जो गाय थी वो तो मर गई, अब दूध खत्म, आप रोटी खा लो हमारे। नारद जी बोले ये भगवान का न्याय बड़ा गलत, वो दुष्ट आदमी था तो उसके घर में 50-20 गाय और हो गई और भैंस वैंस भी हो गई, खूब बड़ा काम कर लिया उसने, और तुम सज्जन थे तो तुम्हारी एक थी वो भी मर गई। अब नारद जी गुस्से में भगवान के पास गए, प्रभु ये कैसा न्याय है आपका, आपकी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा बताओ, जो अच्छा था उसकी एक गाय भी मर गई, और जो बुरा था उसके यहां कारोबार पैसा बढ़ गया, तो अच्छे आदमी का बढ़ना चाहिए था कि बुरे आदमी का? पर यहां तो बुरे आदमी का बढ़ रहा है, अच्छे आदमी का तो, ये सवाल आप लोगों का होता है, महाराज जी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता, हम अच्छे हैं फिर भी हम, हमारा पड़ोसी दुष्ट है, खूब फल फूल रहा, सवाल है ना ये आप लोगों का, प्रश्न समझ में आया? अब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी मेरा न्याय गलत नहीं, मेरी व्यवस्था गलत नहीं है, तो प्रभु जिसने आपके भोग में आपकी पूजा में एक गिलास दूध मुझे दिया, जो अतिथि की सेवा करता है उसकी तो आपने एक गाय, उसके घर दो चार गाय और देनी चाहिए थी आपको, तो आपने उसकी गाय भी मार डाली, वो भी मर गई, और वो दुष्ट मेरे मुझे लाठी से मारने के लिए दौड़ा था, मैं भागा, वो दुष्ट के यहां तो खूब दूध दही हो गया, खूब गाय हो गई। भगवान बोले नारद जी देखो इसका उत्तर यदि आप समझ लेंगे तो सारी जिंदगी के लिए ये सवाल खत्म हो जाएगा, जो आप कहते हैं हम अच्छा करते हैं फिर भी बुरा होता है हमारे साथ, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है, और ना जाने आप लोग क्या क्या बोलते हैं।
भगवान ने कहा नारद जी, वो दुष्ट आदमी जो था ना, जिसने आपको दूध नहीं दिया, उसका मन संसार में ही लगा था, तो मैंने उसका मन और अच्छे से लगा दिया संसार में। लगई है तो और अच्छे से लगा मन संसार में, समझ लिया आपने। और पंडित जी का मन मुझ में ज्यादा लगा था, पंडित जी मेरा चिंतन ज्यादा करते थे, पर गाय के लिए भी उन्हें समय निकालना पड़ता था, मेरे भजन से गाय के लिए समय निकालना पड़ता था, तो उनके भजन में बाधा जाती थी, भक्ति में उनके गाय बाधा बन रही थी, तो मेरा उन्होंने मुझ में मन लगाया, तो मैं मुझे लगा कि यदि गाय रहेगी तो इन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, तो मैंने उनके रास्ते का कांटा हटा दिया, बाधा हटा दी, पूरा मन मुझ में लगाएंगे तो इसी जन्म में सदगति हो जाएगी उनकी, पूरी भक्ति का फल उन्हें इसी जन्म में मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने उनके साथ जो किया उनके कल्याण के लिए किया, लेकिन आप लोग जो हैं आप इस गहराई तक पहुंचते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, आप तो धन दौलत से हर चीज तौल कर देखते हैं। उनका मन संसार में था ही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें संसार दिया ही नहीं, इसका मन संसार में था तो इसे मैंने और बड़ा संसार दे दिया। चल भैया उलझा रहे पैसे में, उलझा रहे गाय भैंस में, तो भगवान जो करते हैं मेरी माँ देना, वो दें धन दौलत तो भी उनकी कृपा है, और सारा कुछ वापस ले लें तो भी उनकी कृपा है, उसकी कृपा का अनुभव करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो करते हैं भगवान बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं, हम उनकी भाव को नहीं समझते कि भगवान हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छा आदमी है, भगवान उसे किसी बाधा में नहीं डालना चाहते, इसलिए उसे छोटा ही बना के रखते हैं। बड़ा बनेगा उलझ जाएगा, छोटा रहेगा तो जिसलिए तुझे मानव तन मिला है वो सार्थकता हो जाएगी, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और ये लोग उलझे रहेंगे अभी, फिर जन्म मरेंगे, फिर जन्म, फिर भैंस की सेवा करेंगे, फिर बकरी की करेंगे, फिर ये उलझे ही रहेंगे, तो भगवान इन्हें देकर उलझा रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप देकर उलझा देती है, बताओ माँ अपने बेटे को लॉलीपॉप देकर उलझाती है कि सुलझाती है? जोर से, बच्चा माँ की गोद में आने की जिद कर रहा है, तेरी गोद में ही रहूंगा, फिर माँ ने क्या किया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया और लॉलीपॉप में उसको उलझा दिया, तू यहीं बैठा रह मैं काम कर लूं, जब तक नहीं देंगे तो गोद में लेना पड़ेगा। तो बच्चे की जिद कोई गलत छोड़ी थी, माँ की गोद में जाना अच्छी जिद है, लेकिन माँ चतुर है, उसे गोद में लेना नहीं चाहती, काम बहुत है, कब तक ढोऊंगी, इसलिए लॉलीपॉप पकड़ा देती है। तो माँ बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है, जोर से बोल दो मेरी माँ, और जोर से आवाज तो निकले। माँ बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है, उलझा देती है। उसी प्रकार धन दौलत मान बढ़ाई देकर भगवान भी हम सबको संसार में उलझा देते हैं, हम यहीं उलझे रह जाते हैं और भगवान के लिए हम तड़पते ही नहीं। इसलिए लॉलीपॉप में ना उलझा करो मेरी माँ, वह भगवान के चिंतन में लग जाओ, भगवान ही सबसे बड़ा धन है, ये मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा तो आएगी जाएगी। लोग रो रहे हैं पैसों के लिए, अरे जितने आंसू तुम पैसों के लिए बहा रहे हो साहब, इतने भगवान के लिए बहा लिए होते तो गति बन जाती, सदगति हो जाती। पर क्या करें, लॉलीपॉप जो पकड़ा दिया भगवान ने,
पत्नी क्या है, पत्नी का क्या है? लॉलीपॉप। भगवान ने पत्नी दे दी, एक उलझे रहो, सारी जिंदगी के लिए फिक्स हो गया, अब नहीं छूटेगा। पति क्या है, जोर से, पति क्या है? लॉलीपॉप। उलझे रहोगे अब सारी जिंदगी इसी में, और इसी नहीं, 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए, इससे बड़ा लॉलीपॉप क्या होगा, इससे बड़ी उलझन क्या होगी। और सुनो, तीसरा लॉलीपॉप, बेटा, बेटा मिल जाए भगवान, मिल गया बेटा, एक बेटी और हो जाए, या बेटी हो गई तो एक बेटा, बेटा बेटी दोनों ही लॉलीपॉप। फिर दुकान हो जाए, खुद का बिजनेस हो जाए, खुद का काम, पैसा, फिर पैसा लॉलीपॉप, फिर पैसा हो गया तो पैसे के बाद क्या, थोड़ा सम्मान हो जाए, समाज में हमारी भी इज्जत हो, इज्जत की चाहत हो गई। धनवान व्यक्ति ना धन खर्च करता है सम्मान के लिए, नाम के लिए, तो फिर नाम का लॉलीपॉप, और इन्हीं लॉलीपॉपों को चूसने में उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। कब बुढ़ापा आ गया, कब मौत की खटिया में पड़ गया, पता ना चला, और लॉलीपॉप चाटते चाटते मर गया। जिसलिए आया था भगवत प्राप्ति करने, भगवान का भजन करने, इसलिए मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा बेटा बेटी पति पत्नी का लॉलीपॉप छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लो। समझदार हो तो बात समझ लेना, वरना आपको ये बात हम करोड़ों जन्म से समझा रहे हैं। भाई पिछले जन्म में हम कोई और रहे होंगे, शायद तब भी आपको समझाया हो, आप कुछ और, कोई ना कोई गुरु तो आपको समझाया ही होगा। तो हम जैसे लोग कई बार समझा रहे हैं, कई बार समझ रहे हैं, अब आखिरी बार है ये, अब ये आखिरी जन्म है मानव तन, अब इसके बाद, अब मानव का जन्म लेकर भी फिर से जन्म लिया तो मानव जन्म प्राप्त करना व्यर्थ चला गया। अरे मनुष्य का जन्म लेने के बाद फिर ना जन्म लेना पड़े, यही इस मानव जन्म की सार्थकता है। सही है, अब मनुष्य बनकर अब दोबारा फिर हमें ना कुत्ता बनना पड़े, ना बिल्ली, ना 84 के चक्कर में जाना पड़े, ना कुछ, मोक्ष, भगवत प्राप्ति, मुक्ति हो जाए। अब कहेंगे आप लोग, ये मुक्ति क्या बला है, ये मुक्ति क्या चीज है? आओ मैं मुक्ति को भी आपकी सरल भाषा में समझाता हूँ। वेद पुराणों में तो मुक्ति की परिभाषाएं बड़ी कठिन है, आप समझ ही नहीं पाएंगे उन भाषाओं को, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ मुक्ति क्या है। जैसे जैसे आप अभी 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले आप लोग अपने घर में थे, क्यों मेरी माँ, आप लोग अभी अब 10 दिन पहले अपने कहाँ थे, घर में थे, घर में थे, तो वही चिक चिक, वही पोंछा, वही झाड़ू, वही काम, वही जेठानी की चिक चिक, वही सास की तू तू मैं, है ना। लेकिन फिर आपके मन में विचार आया वृंदावन चलते हैं, फिर आप घर से तैयारी करके वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो यहां सास की कोई किचकिच नहीं, जेठानी ननद भौजाई की कोई चिक चिक नहीं, कोई बर्तन नहीं धुलना, कोई कपड़े का धुलने का झंझट नहीं, कोई काम नहीं, बिंदास बिहारी जी का दर्शन, बिना काम के सब हो रहा है। बताओ वृंदावन आने में अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को, यहां से जाने का मन कर रहा है? यही है मुक्ति, संसार की झंझट छूट कर सदा के लिए भगवान के हो जाओ। ये वृंदावन भी वैकुंठ है, यहां आने में इतना सुख है तो उस वैकुंठ में भी कितना सुख हो, यही तो मुक्ति है, वो झंझट से छूट के सदा के अब यहां से जाना ना पड़े, यही रहेगी।
भगवान की भक्ति करने वाला भगवान को पाने के बाद फिर उसका कहीं मन थोड़ी करता है जाने का। जैसे आपका वृंदावन आने के बाद फिर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं रहेंगे बस, न बर्तन धुलने पड़ रहे हैं न झाड़ू लगानी पड़ रही है, क्यों ना किसी का दबाव है, सही, नाचने को भी मिल जा रहा है और घर में कहां नाचते हैं। तो सबके लिए ये वैकुंठ है, क्यों जी सही, ऐसे वैकुंठ को छोड़कर भला किसका मन करेगा जाने का। सोचो कि ये वैकुंठ इतना अच्छा है तो जब भक्ति करने वाले संतों को परम वैकुंठ की प्राप्ति होती होगी कितना आनंद होगा ना वहां। इसलिए यदि वह सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में रहना, और यदि झंझट में उलझे रहना चाहते हो तो फिर करते रहना तेरा मेरा ये मेरा ये तेरा ये बेटा ये बेटी, फिर चूसते रहना लॉलीपॉप। बात हमारी मान लो 100% की बात, 100,000% की मान लो तो कल्याण है, नहीं मानो तो फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर किसी की पत्नी बनो, फिर किसी का खसम बनो, यही करते रहेंगे बार बार, जन्म लो मर गए, जन्म लो मर गए, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सही। आप लोगों का जी भर गया कि नहीं पत्नी बनने में, और बनना है पत्नी हा? अगली बार फिर महिला बनोगी तो फिर पत्नी बनना पड़ेगा, स्त्री बनोगी फिर मर जाओगी, फिर स्त्री बन के आओगी, फिर पत्नी बनना पड़ेगा। ना जाने कितनी बार तुम पत्नी बन चुकी हो, करोड़ों बार, और कितनों की बन चुकी हो, और ये पुरुष लोग कितनों के बाप बन चुके हैं ऑलरेडी, कुत्ते के बाप, गधे के बाप, सुअर के बाप, सबके बाप बन के फिर अब मनुष्य रूप में बैठे हैं, अनेक जन्म हो चुका है लेकिन फिर भी अभी बाप बनने से पेट नहीं भरा, फिर भी अभी तुम्हारा माँ बनने से किसी, अब किसी के बेटा ना हो तो रोती है महाराज बेटा नहीं है, जबकि करोड़ों बार ये माँ बन चुकी है पहले जन्म में, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है। यही तो माया है, जो नहीं है, जो है मैं और मोर तोरते माया, जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है, जैसे रात्रि को रस्सी पड़ी है पर दिख रहा है सांप, है रस्सी पर दिख क्या रहा है, यही माया है। जो नहीं है वो दिखाई पड़े, जो नहीं है वो दिखे, क्या नहीं है और क्या दिख रहा है बताओ, क्या नहीं है बताओ, क्या नहीं है, सांप नहीं है पर दिखाई क्या पड़ रहा है बोलो, रस्सी का क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अंधकार है। जो नहीं है सांप नहीं है पर सांप ही दिख रहा है, जो नहीं है पर दिखाई बराबर पड़े वही माया है। बस संसार में आपका कुछ नहीं है पर अपना सा दिखाई बराबर पड़ रहा है, इसी का नाम माया है। उलझ रही हो मेरी माँ, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुमने अपना मान लिया, ये मेरा ये मेरा, ये माया से बच गई तो मानव जन्म लेना सफल, वरना गोल गोल घूमते रहो, बार बार पिसते रहो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस रहे, कौन सा क्या पिस रहे हैं, जन्म और मृत्यु के पहिए में हम सब बीच में मर रहे हैं जन्म ले।